सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र के नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, आज का जो दिन है वो बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का दिन है नवमी का दिन, और नवमी के दिन मैं कन्या पूजन कर रही हूँ। इसी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग से वीडियोस नहीं डाल पाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, अभी बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो अभी जो है ना मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं डाले हैं। बट मेरा मन किया कि नवमी का छोटा सा वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि मैं जैसे कि पिछले काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आते हैं हमारे नवरात्र के वीडियोस। सो नवमी के दिन का ये वीडियो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने और हस्बैंड ने और बच्चों ने पूजा पाठ वगैरह यहाँ पर करने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी जो है समय हो चुका है 9 बज गए हैं सुबह के, और सुबह मैं कम से कम वही 5 बजे के अराउंड में उठ गई थी, और सुबह घर की साफ़ सफाई करने के बाद जो है ना वो प्रसाद वगैरह बना के मैंने यहाँ रख लिया है। अब हम यहाँ पर हवन पूजन और आरती वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं, और साथ में ही आप देख सकते हैं जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा, आज जो है ना बेटी का मैं कन्या पूजन भी करूंगी और साथ ही साथ बेटी का अन्नप्राशन भी करूंगी। सो ये दोनों चीज़ें जो है ना आज के ही दिन का मैंने सोच रखा है, इसलिए क्योंकि आज का दिन जो है ना वो माता रानी का दिन है, और माता रानी का दिन जो है ना वो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। पिछले साल मैंने दोनों नवरात्र जो है ना वो पूजा पाठ और कन्या पूजन वगैरह किया था, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। जब भी मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने माता रानी से बोला भी था कि मतलब एक छोटी सी, छोटी तो नहीं कह सकते, मतलब एक विश मांगी थी मैंने कि मेरे घर में भी एक छोटी सी कन्या आ जाए। तो माता रानी ने वो विश जो है ना वो मेरी पूरी की, और बेटी के रूप में माता रानी मेरे घर आई हैं। तो ये दिन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल भी है, माता रानी को धन्यवाद करना भी बनता है, साथ में ही पूजा पाठ करना भी आज के दिन जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज के दिन जितना अच्छा दिन तो पूरे साल में हो ही नहीं सकता है, तो आज के दिन ही मैं बेटी का अन्नप्राशन भी कर रही हूँ। अभी बेटी मेरी 5 मंथ की ही हुई है, वैसे मैंने 6 मंथ पे सोचा था, बट 5 मंथ ठीक है, अच्छा दिन है, अच्छा समय है, और माता रानी का आशीर्वाद भी आज मिलेगा मेरी बेटी को, तो मैंने कहा चलो आज का ही दिन मैं अन्नप्राशन भी करूँगी। सो ये वाला जो है ना वो मेरी बेटी का पहला कन्या पूजन है, मतलब अब से जो है ना वो हर कन्या पूजन में मेरे साथ रहेगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं माता रानी का प्रसाद वगैरह मैंने यहाँ पर रख लिया है, और ये कन्या पूजन मैं दिल्ली में कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना कन्या घर में बुला के उनको कन्या भोज करा पाना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि हम एक रेंट के हाउस में रहते हैं, और जो है ना कन्या वगैरह जल्दी से लोग किसी के घर में भेजते नहीं हैं। सो यहाँ पर इस तरीके के टिफ़िन वगैरह जो है ना वो ज़्यादातर लोग इसी तरीके से कन्या पूजन करते हैं। यहाँ पर मैं टिफ़िन में प्रसाद रख दिया है, और प्रसाद के साथ ही जो चीज़ें भी रखी जाती हैं वो सारी चीज़ें मैंने इस टिफ़िन में रख ली है। सो ये टिफ़िन बॉक्स में यहाँ पर मैंने रखी है पूड़ी, साथ में ही रवे का हलवा, और मैंने खीर भी बनाई थी, क्योंकि खीर से ही जो है ना वो अन्नप्राशन करेंगे बेटी का। सो यहाँ पर मैंने खीर भी बनाई है, और काले चने जो है ना वो माता रानी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, तो काले चने हैं, खीर है, पूड़ी है। बेटी को जो खीर खिलाऊंगी मैं, उसमें मैंने चीनी वगैरह नहीं डाली है, बेटी की खीर में मैंने शहद डाला है, और शहद के साथ ही उसे खिलाने वाली हूँ। सो ये आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ थाली जो है ना वो मैंने बेटी के अन्नप्राशन के लिए तैयार की है। इस खीर में जो है ना शहद पड़ा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये चावल की खीर है। ट्रेडिशनल तौर पे हमारे यहाँ खीर का ही रिवाज है, सो मैंने वही बनाई है। और कन्या पूजन के लिए जो है ना आज पहली बार ही मैं कन्या को भोग लगाने वाली हूँ, और इसी से ही स्टार्ट हो जाएगा मेरी बेटी का कन्या पूजन। और इसी तरीके से हर साल हम कन्या पूजन में बेटी को एज अ कंजक जो है ना वो हम बैठाना स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैं बेटी को भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से बेटी को भी तैयार किया है। सो यहाँ पर पहले हम आरती वगैरह करेंगे। यहाँ पर मैंने माता रानी की जो चुनरी थी वो चुनरी मैंने बेटी को बांध दी है, साथ में ही माला वगैरह मैंने पहना दिया है, आरती वगैरह कर दी है बेटी की। आरती वगैरह का वीडियो मैंने नहीं बना पाया क्योंकि छोटी है बेटी, तो सारा कुछ कर पाना और वीडियो शूट कर पाना काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। सो पहले मैं बेटी को गोदी में लेके बैठने वाली थी, बट मैंने कहा आप लेके बैठो,
तो मैं अच्छे से सारा पूजा पाठ वगैरह अच्छे से कर सकती हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, बट बच्चों के मूड का कुछ पता नहीं होता है, अचानक से ही बच्चों का मूड चेंज हो जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बेटी को जो है ना सबसे पहले हमने बेटी को शुद्ध जो घर का जो शहद होता है वो गांव वाला शहद जो है ना सबसे पहले हमने बेटी को शहद खिलाया और एक्सप्रेशन जो है ना हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहे थे कि क्या होने वाला है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही बेटी को सारा कुछ खिलाने वाले हैं और सडनली शहद भी खीर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाने वाले हैं। और एक चीज़ ये भी है कि अभी तक जो है ना मेरी बेटी ने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही ली है, मैंने उसको फार्मूला मिल्क वगैरह भी नहीं दिया है और काउ मिल्क भी नहीं दिया है और इवन अभी तक पानी वगैरह भी नहीं दिया है। सो 5 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। सो मैंने कहा अभी जो है ना वो अन्नप्राशन का टाइम है तो समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी उसको अच्छे से फीड करेगी खाएगी या फिर क्या करने वाली है। अभी शहद को आप देख सकते हैं, शहद में तो इनका पूरा मुंह बन जा रहा था, रोना स्टार्ट हो जा रहा था, हमने सिर्फ थोड़ा सा ही शहद खिलाया। फिर उसके बाद जो है ना वो बारी आती है खीर की, तो यहाँ पर खीर भी जो है ना थोड़ा सा ही खीर खिलाया है और खाने के बाद जो है ना इनका रोना स्टार्ट हो गया था। दोनों भाई बहन कन्या भोज करने के बाद यहाँ पर कर रहे हैं इंजॉय। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट करके, और हाँ बेटी का अगर कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करना चाहें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैंने बेटी का नाम रखा है तेजस्वी और मेरे हस्बैंड ने रखा है इसका नाम इनाइशा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट करके और जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। हैव अ नाइस डे। मेरे लिए आज का दिन काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल रहा और काफ़ी ज़्यादा सुखद भी रहा। आई होप आप सभी लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और हाँ इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जय माता दी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।